एल्स के बाद वी हैव किरचॉफ्स लॉज बेटा, किरचॉफ्स लॉज, हमारे पास बेटे किरचॉफ लॉज दो हैं, वी हैव किरचॉफ्स लूप रूल, वी हैव जंक्शन रूल बेटे, वी विल बी डिस्कसिंग दीज वन बाय वन इन वेरी मच डिटेल एंड वी विल आल्सो लर्न हाउ टू अप्लाई दीज रूल्स बेटे। सो सबसे पहले बेटा जंक्शन रूल क्या है, जंक्शन रूल बेटे आपके पास अगर बेटे नेटवर्क ऑफ द कंडक्टर्स हो, या आप ऐसे कह लीजिए कि कंडक्टर्स एक पॉइंट पे आपने ज्वाइन कर रखे हैं, लेट इट बी द पॉइंट बेटा, और ये आपके कंडक्टर्स इस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं, इस पॉइंट पे लेट दिस पॉइंट बी कॉल्ड एज द पॉइंट ओ। आई वन करंट एंटर कर रहा है ओ पॉइंट की तरफ, इमेजिन कर लीजिए आई टू करंट लीव कर रहा है ओ पॉइंट से, आई थ्री करंट अगेन एंटर कर रहा है, आई फोर करंट बेटे इमेजिन कर लीजिए लीव कर रहा है, एंड आई फाइव इज अगेन एंटरिंग। दिस इज ऑल वेरी मच क्लियर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड्स इटसेल्फ बेटा। हमारा जंक्शन रूल कहता है कि नेट करंट एंटरिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द नेट करंट लीविंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट बेटा, और समेशन ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, वी मे स्टेट इन दिस मैनर आल्सो बेटा। सो जंक्शन रूल बेटे जो है इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द करंट्स, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो बेटा। तो यू कैन से डायरेक्टली दैट बेटे आपका जो समेशन आई मैं लिख दूं अगर दैट इज इक्वल टू जीरो, इसको एक और तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था ऑल द करंट्स एंटरिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू ऑल द करंट्स लीविंग दैट पॉइंट भी आप लिख सकते हो बेटे। सो डियर स्टूडेंट्स वी कैन आल्सो से दैट ऑल द करंट्स, ऑल द करंट्स एंटरिंग ए पॉइंट is equal to all the currents leaving that point बेटे, जितने भी currents enter कर रहे हैं that is equal to all the currents जो उस point को छोड़ के जा रहे हैं, ये आपका बेटे junction rule है। और बच्चों इसमें खास बात यह है कि it is based on the principle of conservation of charge, याद रखिएगा इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटे, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी बेटा, ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और बेटे आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे और गाइड कर दूं, जो करंट्स बेटे एंटर करते हैं हम इनको पॉजिटिव साइन असाइन कर देते हैं, और जो करंट लीव करके जा रहे हैं वी असाइन दीज करंट्स द नेगेटिव साइन। जैसे आपका आई वन एंटर कर रहा था, आई विल राइट आई वन, ठीक है जी, प्लस आई टू करंट आपका जा रहा है इट विल बी माइनस आई टू, एड मैं सबको ही कर रहा हूं, प्लस आई थ्री एंटर कर रहा है I may take it as such. I4 आपका लीव कर रहा है it will be minus I4. I5 enter कर रहा है it will be I5. This is equal to zero. अगर मैं ब्रैकेट्स यहां से हटा देता हूं, I1 minus I2 plus I3 minus I4 plus I5 is equal to zero. तो आपके देखिए बेटे दो करंट्स लीव करके जा रहे थे, ये दोनों नेगेटिव है, इनको आप उस तरफ ले जाइए, I1 plus I3 plus I5, this is I2 plus I4. तो जितने करंट्स आपके एंटर कर रहे हैं
उनका सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट बेटा, दिस इज योर बेटे जंक्शन रूल। इसको हमें फ्रीक्वेंटली अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी बेटा। इसके बाद बेटे मेरे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज हमारा लूप रूल क्या है। आइए बेटे लूप रूल पे कंसंट्रेट करके देखें हाउ वी कैन टैकल और डिस्कस किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स जंक्शन रूल आपने कंप्लीट किया। लूप रूल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अप्लाई करना और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से CBSE जरूर क्वेश्चन पूछता है और अगर आप कोई कॉम्पिटिशन भी उठा लोगे वहां पे भी आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा इस पार्ट ऑफ द चैप्टर में से बेटा। किरचॉफ्स सेकंड इज अवर बेटा लूप रूल। बेटे लूप रूल हमें कहता है कि सम ऑफ ऑल द EMFs एंड द प्रोडक्ट ऑफ करंट्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स इन ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज जीरो। बेटा मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बेटे समझा देता हूं। किरचॉफ्स लूप रूल जो है इट स्टेट्स दैट सम ऑफ ऑल द EMFs एंड द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। क्या मीनिंग है बेटे इस चीज का, आइए जरा समझें। कोई हमने क्लोज लूप लिया, उस लूप में एक आपका सेल लगा हुआ है या बैटरी लगी हुई है, उसकी EMF आ जाएगी। सम अब किसका लेना है, EMF का, और किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट के साथ। वी इंटू आई जो है वो भी आपको बेटा वी इंटू आई आपको बेटे एज सच पोटेंशियल ड्रॉप इंटू करंट की फॉर्म में सारे का सारा नेटवर्क का जो आपके क्लोज नेटवर्क का लूप का जो सेटअप है उसमें ये समेशन जीरो के बराबर हो जाएगा। दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय दिस बेटे पर्टिकुलर कंसेप्ट। मैं रिपीट करूं बेटे एक बार फिर से, लूप रूल स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द EMFs एंड ये यहाँ पे थोड़ा सा बेटे मैं इसको अगर रीराइट कर दूं और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रोडक्ट वाली बात थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, मुझे भी ठीक नहीं लग रही थी, लेट मी रीराइट इट बेटा। लूप रूल जो है इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एंड ऑल द EMFs इन ए क्लोज्ड लूप इज जीरो। बेटे इस चीज को बेटे मैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। ये इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक रेजिस्टर है, दिस रेजिस्टर इज अगेन कनेक्टेड विद एन अदर रेजिस्टर, ये रेजिस्टर सेकंड है आपका मान लीजिए। यहाँ पे आपने एक बैटरी अरेंज कर रखा है दिस वे और इन पॉइंट्स के बीच में आपने एक रेजिस्टेंस और ऐसे बना रखा है और यहाँ पे आप एक और रेजिस्टर इमेजिन कर लीजिए, दिस इज देयर, और एक और रेजिस्टर आपने इमेजिन किया, लेट इट बी ड्रॉन इन दिस मैनर बेटा। और आपने ये सारे का सारा सर्किट जो है इसको ये एक रेजिस्टर और ये एक आपने बेटे बैटरी के साथ एक्सटर्नली भी कनेक्ट कर रखा है। लेट मी बेटे
draw this diagram, then we will be taking up this case as such. ऐसे आ गया बेटे ये आपका. इसको कुछ नाम रख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ, आप कुछ भी नाम रख सकते हो. इसकी जो ई एम एफ है लेट इट बी ई वन, इसका जो रेजिस्टेंस है आर, इसको वन बोल दो, इसको आर टू बोल दो, इसको आर थ्री बोल दो, आर फोर बोल दो, आर फाइव, तो ऑब्वियसली आर सिक्स हो जाएगा. एंड फर्दर मोर, अगर आपका ये सप्लाई यहाँ से करंट की आपको आई के बराबर करंट दे रहा है, तो बेटा आपका ये करंट आई जब ए पॉइंट पे पहुंचेगा, यू कैन सी इसके करंट के लिए आगे बेटे दो ब्रांचेस अवेलेबल हैं. इसमें से आई वन करंट आपका इस तरफ चला गया ये, और आई टू करंट आपका जो है आर टू रजिस्टर में से फ्लो करके आगे चला गया. आई करंट आ रहा था, आगे बाइफरकेट हो गया दो ब्रांचेस में. ये करंट आई वन अब बी पॉइंट पे पहुंचा, द मोमेंट इट विल बी एट पॉइंट बी, इसमें से आई फाइव करंट आपका इधर आ गया, और आपका आई टू करंट जो है ये फिर आपके पास आई वन माइनस आई फाइव बच गया. बेटे देखो आई वन आ रहा था, उसमें से आई फाइव इधर चला गया, बाकी कितना रह गया, आई वन में से आई फाइव को माइनस कर दिया. और यहाँ पे इसकी ई एम एफ को आप ई टू कह दीजिए, ये करंट आपका आ रहा है ऐसे आई फाइव, आई फाइव और आई टू मिलकर ये आपको आई फाइव प्लस आई टू दोनों मिलकर इधर चले गए हैं. और फर्दर मोर आपका यहाँ पे जब ये दोनों करंट्स पहुँचेंगे तो ये अगेन बेटे आपके कंबाइन कर जाएंगे, आई वन प्लस आई टू करंट आपको मिल जाएगा इन द नेट शेल, और ये दोनों मिलके आपको आई करंट दे देंगे, और आई करंट आपका एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर जाएगा. अब इसको लूप रूल को अप्लाई करने के लिए हमारे पास बेटे दो तीन पॉइंट्स हैं. वी ऑलवेज से दैट कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस डायरेक्शन में फॉल करेगा. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. और बेटे जो फॉल इन द पोटेंशियल है इसको हम नेगेटिव लेते हैं. फॉल इन द पोटेंशियल, फॉल इन द पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव. इसका मतलब है कि अगर आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे आपका पोटेंशियल राइज करेगा, एंड राइज विल बी टेकन एज पॉजिटिविटी. तीसरी बात ये है ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज टेकन नेगेटिव व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू इलेक्ट्रोलाइट. सो आइए बेटे अब ये वाली इंफॉर्मेशन जो है हमारी, इसको वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप मैनर में यहां पे अप्लाई करके देखें कि असल में हमने करना क्या है. रिपीट कर रहा हूं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉल करेगा हम उसको नेगेटिव लेंगे, और फॉल किस डायरेक्शन में करता है, जिधर करंट फ्लो करता है पोटेंशियल उधर फॉल करेगा, मतलब इस तरफ पोटेंशियल फॉल करेगा, वी विल टेक इट एज नेगेटिव. और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन की अगर बात कर लेंगे तो करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता होने की वजह से पोटेंशियल राइज करेगा, एंड राइज इन द पोटेंशियल वी विल टेक एज बेटा पॉजिटिव. और ईएमएफ उस सेल की हम नेगेटिव लेंगे जिसमें हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं,
बट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, बाहर से नहीं कहना हमने। आइए देखें, ये लूप वन बोल देता हूं मैं इसको, ये वाला जो है इसमें मैंने ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में ये लूप रूल अप्लाई करना है। आइए अप्लाई करके देखें, आर और आई ये प्रोडक्ट आपको वोल्टेज ड्रॉप दे देगा। अब आप यहां से ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, आई वन की डायरेक्शन में गए, आप बोलोगे माइनस आई वन आर वन, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वी टेक इट एज नेगेटिव। बी पॉइंट से आप इधर चल पड़े, माइनस आई फाइव आर फाइव, ये बैटरी का देखिए नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया, आप ऐसे आ रहे थे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, प्लस ई टू, जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, देन आप इधर जा रहे हो प्लस, ये देखिए आई टू के अपोजिट हो, आई टू आर टू इज इक्वल टू नेगेटिव। सो मैं रीअरेंज करूंगा बेटे टर्म्स को, आई विल बी गेटिंग माइनस आई वन आर वन माइनस आई फाइव आर फाइव प्लस आई टू आर टू प्लस ई टू इज इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। आप इन दो टर्म्स को उस तरफ भी लेके जा सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो ई टू इज इक्वल टू, ई टू को इधर ही रहने दो, आई वन आर वन प्लस आई फाइव आर फाइव, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा आई टू एंड आर टू बेटा। सो दिस इज हाउ वी आर टू अप्लाई दिस रूल बेटे। बेटा आपको ये रूल अप्लाई करना समझ आ गया बेटा, सारे स्टूडेंट्स बेटा। प्रीतिका प्रीतिका मानविया, यस सर, बेटे रूल अप्लाई करना साथ साथ समझ आ रहा है बेटा? ठीक है बेटे, ठीक है, गुड। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है हमारे, इसके बिना फिर हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं नहीं होते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। मैं दूसरे लूप्स में भी ये रूल अप्लाई करके बताता हूँ। आइए देखें, मैं ये वाले लूप को लूप टू बोल देता हूँ, एंड लेट अस अप्लाई दिस रूल ओवर हियर आल्सो बेटा। सो इसको मैंने लूप नंबर टू बोला, और मैं ऐसे ही बेटा क्लॉकवाइज सेंस में यहाँ पे भी ये रूल अप्लाई कर रहा हूँ। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटे, जब आप इस पे कंसंट्रेट करोगे बेटा तो आप, आइए देखें, बी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे हो बेटा, आप लिखोगे माइनस आई वन, सॉरी माइनस ऐसे आई वन माइनस आई फाइव इंटू आर टू कर दीजिए, ये आप करंट की डायरेक्शन में थे, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल फॉल करेगा, एंड बेटे फॉल ऑफ पोटेंशियल वी विल टेक एज नेगेटिव। ये आ गया सी पॉइंट पे, आप इधर चल पड़े हो, आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो, नाउ इट विल बी प्लस यूर आई फाइव प्लस आई टू इंटू आर फोर, और अब आप इधर जाओगे आई फाइव के अपोजिट, इट विल बी प्लस आई फाइव आर फाइव इक्वल टू जीरो। सो इसको आप उधर भी लेके जा सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसको आप उधर शिफ्ट करके पॉजिटिव बना सकती हूँ। सो दिस इज द लूप रूल अप्लाई टू दिस पार्ट ऑफ द सर्किट। अगर बेटे मैं बात कर लूँ आउटर पार्ट की, ई से स्टार्ट हुआ मैं, इधर से मूव करके वापस इधर आ रहा हूँ, फिर से देखिएगा, ई से मैं स्टार्ट हो रहा हूँ मूव करना, इधर चला गया, देन इट इज लाइक दिस एंड देन कमिंग बैक दिस वे बेटा। इस पार्ट में अगर लूप रूल अप्लाई करें, ई से आप स्टार्ट हुए आई टू और आपका जो है आर थ्री, ये एक ही डायरेक्शन में है, आपके पास आ जाएगा माइनस आई टू आर थ्री, राइट बेटा, आई टू आर थ्री। अब आपका पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, आप लिखोगे माइनस ई टू थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अब आप इस करंट की डायरेक्शन में हो, इट विल बी अगेन माइनस आई फाइव प्लस आई टू
इंटू आर फोर। अब आप इस तरीके से आ रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया, इट विल बी टेकन एज ई वन, एंड देन आप अगेन इसकी करंट की डायरेक्शन में हैं, इट विल बी माइनस आई सिक्स, आई सिक्स नहीं है, आई वन नहीं है, सॉरी आई ही लिखा हुआ है आपने, आई इंटू आर सिक्स इज इक्वल टू जीरो, आपने आई कलेक्टिवली इसको बोल रखा है ऑलरेडी, बाकी कोई बात नहीं है, जैसे भी आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे अकॉर्डिंगली आप वो करंट्स की वैल्यूज बेटे यूज कर लोगे। सो दिस इज द वे आप ईएमएफ्स को दूसरी साइड पे भी लेके जाके लिख सकते हो। सो इन दिस वे आपको रूल अप्लाई करना आ जाना चाहिए बेटा। मैं रिपीट करूं डियर चिल्ड्रन, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, हम उस डायरेक्शन को, उस डायरेक्शन में जब मूव करते हैं, हम अपना पोटेंशियल बेटे जो है नेगेटिव लेंगे, और अगर करंट के फ्लो के अपोजिट जा रहे हो आप उसको पॉजिटिव लोगे। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से आप नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, आप अपना ईएमएफ नेगेटिव लोगे। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हो, आप अपना ईएमएफ जो है उसको बेटे पॉजिटिव ले लोगे, जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया था। सो आइए बेटे अब मैं लूप रूल को अप्लाई करूं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए, रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस कैसे निकाला करते हैं। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट पार्ट बेटा। सो आइए बेटा लूप रूल अप्लाई टू द व्हीटस्टोन ब्रिज, और सिंपली आप व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल भी कह सकते हो। आइए देखें क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपने कैसे रूल अप्लाई करना है बेटा। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में आपके पास बेटे फोर रेजिस्टर्स का नेटवर्क आपको दे रखा होता है। फर्स्ट रेजिस्टर इसको इमेजिन कर लीजिए, लेट इट बी डियर चिल्ड्रन योर सेकंड रेजिस्टर, और यहाँ पे आप एक गल्वेनोमीटर लगाया करते हो, यहाँ पे एक की लगा रहता है, और यहाँ पे एक और रेजिस्टर है डियर चिल्ड्रन, एंड हेयर इज स्टिल एन अदर रेजिस्टर इन दिस वे, और हमने इस सारे को एक सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब बैटरी के साथ अटैच कर देना है इस तरीके से। और जब आप ये वाला की इंसर्ट कर देते हो, आप इसको पी क्यू आर एंड एस रेजिस्टर्स बोल देते हैं। इमेजिन कर लीजिए आपका करंट आई एंटर किया, इस पॉइंट को आप ए बी सी डी वगैरह बोल देते हैं। करंट आई आपका ए पॉइंट पे जब एंटर करेगा बेटा, इसमें से मान लीजिए आई वन करंट इधर चला गया, बाकी बच गया जी आई माइनस आई वन, ये इस तरफ चला गया। ये आई वन करंट जब बी ब्रांच पे, बी पॉइंट पे पहुंचेगा, ये गल्वेनोमीटर वाली ब्रांच होती है, इसमें से आई जी, आई जी का मतलब है गल्वेनोमीटर करंट इधर आ गया, बाकी करंट बेटे कितना बच गया, आई वन में से आई जी को निकाल दीजिए, ये बच गया। ये की मैंने इंसर्ट कर दिया है ताकि सर्किट चल पड़े। आई जी करंट इधर आ रहा है, आई माइनस आई वन इधर से आ रहा है, ये मिलके आपको आई माइनस आई वन प्लस आई जी करंट नेट दे देंगे, ये इधर चल पड़ा। ये करंट्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो आप इन करंट्स को जब ऐड करोगे, आई वन पॉजिटिव नेगेटिव, आई जी नेगेटिव पॉजिटिव, खत्म हो जाएंगे, आपके पास नेट करंट आपको आई मिल जाएगा बेटा। तो ये अगर आप जितना करंट एंटर करवा रहे हो उतना आपको बाद में मिल जाए, इट विल इंडिकेट कि आपने अपनी करंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक की है, दिस इज द कंफर्मेशन रादर। अब आप लूप आपका जो है ए बी डी, ए बी डी लूप में कंसिडर करिए। इस तरीके से मैं लूप रूल अप्लाई कर देता हूं। ए पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया बेटा, इट विल बी माइनस आई वन इंटू पी, पी ये रेजिस्टेंस है बेटा, माइनस आई जी इंटू जी, माइनस आई जी इंटू जी, नाउ आई एम अपोजिट, प्लस आई माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू जीरो,
ये लूप में मैंने लूप रूल लगा दिया। अब आप ले लीजिए लूप आपका है बी सी डी, लूप बी सी डी में आपने अगेन वैसे ही लूप रूल लगाया, बी पॉइंट से आप स्टार्ट हुए, आप करंट की डायरेक्शन में हैं, इट विल बी नेगेटिव ऑफ आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू। ये देखिए अब आप करंट के अपोजिट हो, प्लस आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, अगेन अपोजिट हो, प्लस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो लूप्स आपकी बनी, आपने लूप रूल अप्लाई किया। अब बात आ जाती है कि जब आपका ब्रिज बैलेंस्ड होगा बेटे, फॉर बैलेंस्ड बैलेंस्ड ब्रिज, आपके पास जब ब्रिज बिल्कुल बैलेंस हो गया बेटा, तो गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं करता, ये जीरो डिफ्लेक्शन इंडिकेट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ बी पॉइंट और डी पॉइंट ये बराबर के पोटेंशियल पे हैं, अगर ये बराबर के पोटेंशियल पे हैं तभी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, नहीं तो करंट ने तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करना ही करना है। अब आपका बी और डी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, दैट इज वाई द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर ब्रांच विल बिकम बिटे जीरो। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब आपका ब्रिज बिल्कुल बेटे बैलेंस हो जाता है, गैल्वेनोमीटर करंट जीरो हो जाएगा, आई जी विल बी जीरो, इसमें मैं पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में, आई विल गेट माइनस आई वन इंटू पी, ये खत्म हो गया, ये आ गया जी प्लस आई माइनस आई वन इंटू आर इक्वल टू जीरो। इस टर्म को मैं उधर ले जाता हूं, आई माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू आई वन इंटू पी, ये इक्वेशन मेरे पास बन गई। इसमें जब मैं आई जी को जीरो पुट करूंगा, ये टर्म खत्म हो गई, ये टर्म खत्म हो गई और ये टर्म भी खत्म हो गई। लेट मी री राइट दिस देन बेटा, यही लिख देता हूं, आई जी जीरो हो गया, माइनस आई वन इंटू क्यू ये बचा, देन प्लस इट इज आई माइनस आई वन इंटू एस, ये टर्म बच गई, ये वैसे ही जीरो हो गया, दिस इज लाइक दिस। इसको आप उस तरफ ले जाइए बेटा, आपके पास आ जाएगा आई, इट इज आई, ये वाली टर्म बची, माइनस आई वन इंटू एस इज इक्वल टू आई वन इंटू क्यू। आप इसको वन नंबर, इसको टू नंबर बोल दीजिए, वन को टू से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर वन डिवाइडेड बाय टू, आई माइनस आई वन इंटू आर डिवाइडेड बाय आई माइनस आई वन इंटू एस, दिस इज आई वन इंटू पी आई वन इंटू क्यू, ये करंट्स आपके कट गए बेटा, आपके पास बन गया पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। सो जब जब आपका बच्चों ब्रिज बैलेंस्ड होगा, आपके रेजिस्टेंसेस की रेशियो जो है, रेशियो कौन सी है, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, बराबर आ जाएगी रेशियो। सो दिस इज व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बेटे। सो अकॉर्डिंग टू बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, वेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, देन बेटे द रेशियो ऑफ द रेजिस्टर्स, जो भी आपके पास रेजिस्टर्स का नेटवर्क दिया गया है, दैट विल बेटे कम आउट टू बी द सेम। सो दिस इज द वे टू अप्लाई यूअर लूप रूल फॉर द केस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अब मैं स्टेटमेंट पार्ट मैंने नहीं लिखा था, स्टेटमेंट पार्ट भी लिख दूं बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का, कि ये हम इसको स्टेट कैसे कर सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं बेटा। सो वी कैन से दैट बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट फॉर ए बैलेंस्ड ब्रिज, फॉर ए बैलेंस्ड ब्रिज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस इज सेम। तो मैं रेजिस्टेंसेस जो मैंने पहले बनाए थे उसकी ही यहाँ पे बेटे रेशो करके लिख देता हूँ, तो दोज आर पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस बेटे। सो इस तरीके से
आप अपना बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो है इसको बेटा एक्सप्लेन कर सकते हो। सो बेटे डियर चिल्ड्रन, मे आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को अप्लाई करना बेटे रूल आ गया है। यस बेटा गुनजोत, पावन, गुरसिमर, क्षितिज, राधिका, अविश, आदित्य, यस बेटे डियर ऑल, ओके नाइस बेटा। सो बेटे दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। आप लूप रूल को बेटे जरूर एक दो बार लिख के करके देखिएगा ताकि आपका न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने का जो टेक्निक है वो और भी ज्यादा बच्चों इंप्रूव हो जाए। सो थैंक यू ऑल बेटे, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू ऑल बेटा।